ये है कि कुछ लोगों ने जिनको नौकरी दिलाने के नाम पे धोखा दिया गया था उन्होंने शिकायत की थी, तो इस पर हम लोगों ने कार्रवाई की और इसके लिए एसीपी सभ्य को लगाया गया था। इससे पता ये चला कि ये लोग बरौला में और होशियारपुर में ऑफिस खोल करके लोगों को तुरंत नौकरी के दिलाने के नाम पर 2,500 से लेकर 2,500-3,000 रुपये उनसे अकाउंट में डलवा लेते थे और नौकरी तो उन्हें मिलती नहीं थी, फिर बाद में टहलते रहते थे और ये काम करीब 1.5 साल से कर रहे थे। तो ये धोखाधड़ी करके लोगों को ठग रहे थे। अब तक कितने लोगों को सर ठग चुके हैं? अब तक तो ये कहते कि हर महीने लगभग 100 से 150 लोग आते थे, तो इसका तो अकाउंट से पता चलेगा हमें इनका देख करके कि कितने लोगों ने अकाउंट में पैसे डाले हैं, उसी से हम लोग निकाल पाएंगे। पर फिर भी मेरा है कि अगर 1.5 साल से है तो 100-150 भी कर रहे होंगे, तो 2,500 रुपये तो कर ही चुके हूँ 2,500 लोगों को। ये लोग फंसाते थे जॉब दे करके कि तुरंत ऐड निकालते थे, पैम्पलेट चिपकाते थे जगह जगह कि तुरंत जॉब चाहिए तो आ जाइए ओप्पो में सैमसंग में, तो इस तरह से लोग जल्दी आ जाते थे क्योंकि इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग इनके लालच में आ जाते थे। सर कितने ऑफिस बना रखे थे नोएडा के अंदर? हमने 2 ऑफिस अभी पकड़े हैं इनके। सर ये फर्जी आईडी ट्विटर भी चलाते थे, जब कोई पैसा मांगने आता था तो उसको डरवाने के लिए उसके खिलाफ ताकि वो पैसा ही ना मांगने आए, और चूंकि अमाउंट जो होता था बहुत छोटा होता था 2,000 से 2,500-3,000, तो इनको लगता था कि इसके लिए कोई कितनी बार आएगा, और ये ज़्यादातर शिकार दूर के लोगों को बनाते थे क्योंकि कोई दूर से आएगा तो सोचेगा कि इतना तो मेरा किराया ही लग जाएगा, जितना पैसा वापस नहीं होना है, तो इसका ये पूरा फ़ायदा उठाते थे। इतने लोग सर इनके गैंग में शामिल थे? इनके गैंग में जो अभी हमें लोग मिले हैं ये 3 लड़के हैं और 4 लड़कियाँ हैं। अभी हम इस बारे में और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि और कौन लोग हैं जो इनको पीछे से कोई बैकअप दे रहा है या किस तरह को इनको फैसिलिटी दे रहा है। पुलिस भी दबाव बनाते थे, ट्विटर से बनाते थे। हाँ, ये इसका तो तरीका इन्होंने निकाला था कि ताकि क्योंकि अपने ऑफिस में ये मौजूद नहीं मिलते थे, लड़कियों को बैठाते थे, तो जब भी कोई कहता था कि मेरा पैसा वापस कर दीजिए जॉब नहीं मिला है, तो लड़कियों के नाम पर किसी छेड़खानी की और इस तरह से करते दबाव बनाते थे कि जो मांगने भी आए तो वापस चला जाए, पैसे ही ना मांगे। बरामदगी तो आपने भी देखा, इनके पास से सारी फाइलें, पैम्पलेट, मुहर, पैसे, मोबाइल, ये सारी चीज़ें इनसे बरामद हैं।